किसी अमेरिका के कब्रिस्तान में से दफनाने की इजाजत नहीं मिली। यही कानून होना चाहिए, जालिमों के साथ, बदकारों के साथ, नाफिकारों के साथ, अल्लाह के बाकी दुश्मनों के साथ यही अंजाम होना चाहिए, यही अंजाम। मेरे अजीजो साथियों, जो आदमी इस्लाम को कैंसर कहता था, तारिक फतेह हाल ही में आपकी मेरी आंखें देखी है, तारिक फतेह कैंसर से मरा है। जो आदमी इस्लाम को कैंसर समझता था, कैंसर से मरा। क्यों? अल्लाह के दीन के अज़बाब समझा नहीं, अल्लाह के इस दीन के अज़बाब समझा नहीं। फिनार जानम हो गया, 3 दिन तक लाश हॉस्पिटल में सड़ते रही, किसी अमेरिका के कब्रिस्तान में से दफनाने की इजाजत नहीं मिली। यही कानून होना चाहिए, जालिमों के साथ, बदकारों के साथ, नाफिकारों के साथ, अल्लाह के बाकी दुश्मनों के साथ यही अंजाम होना चाहिए, यही अंजाम, यही अंजाम होना चाहिए। 3 दिन तक तारिक फतेह की लाश सड़ गल गई, लेकिन जाकर उसे बर्निंग जलाया गया। लो, उसकी बेटी नताशा तारिक फतेह रिक्वेस्ट कर रही थी मुसलमानों के, मेरे बाप को कब्रिस्तान में जगह, कोई मुसलमान अमेरिका में कब्रिस्तान में जगह नहीं दी। इस्लाम कैंसर है कहा था, आमे अदूत ऐसा नोमानी तस्लीम अलसिन, इस्लाम अपाइज है कही थी। आज भाई तस्लीम अलसिन दिल्ली के हॉस्पिटल में अपाइज होकर पड़ी हुई, आज अपाइज होकर पड़ी हुई है। यहां से बोन्स रीढ़ की हड्डी से उसकी हड्डी काम नहीं करी, वो हमेशा के लिए अपाइज हो गई। जो इस्लाम को अपाइज कहती थी, ये जिंदा जिंदा मौजूदा आपकी आंखों के सामने मेरे दोस्त साथी, ये हकीकत है इस्लाम की। आओ इस्लाम के दुश्मन बागी करता देखो, इस्लाम रहमत कदे का नाम है। जो लोग उसको कबूल कर ले, जो उसको मान ले, रहमत कदा है उनके लिए। मेरी जिंदगी आपकी जिंदगी रहमत है इंशाअल्लाह।